বন্ডাজ এই তো বন্ডির দেখা আপনার। अरे आ ना ऊपर आ जल्दी आ। अरे आईजी बोर्ड पर आ, घुस पर घुस। अरे घुस एक ही बंदा घुस है, चल आईजी बोर्ड घुस। अरे घुस क्या कर रहे, पूरा डैमेज था, अभी रिकवर हो गया तो कर रहा है। पिछले संडे में भी हमने टूर्नामेंट रखा था गाइस, और आज ये सेकंड टूर्नामेंट है। वैसे टीम के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर आज आई है 5 टीम, पिछली बार आई थी 8 टीम और इस बार है सिर्फ 5 ही टीम। लेकिन आने वाले दिनों में 5 की 6, 6 की 7, 7 की 8, 12 टीम तक हमें पहुँचाना है। धीरे धीरे देखते हैं कैसे पहुँचता है केगा। यहाँ पर हमारे टीम नंबर 1 पर अगर देखेंगे तो गाइस देखेंगे, आज हम आपको 5ों टीम के नाम बताएंगे और 5ों टीम को हमने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। पहले नंबर पर है टीम लेजेंड एक्शन पापा है जिसके अंदर। दूसरे नंबर पर है आईजी बॉट, और तीसरे नंबर के है एसके रोशन नाम है इनका। चौथे नंबर पर है ग्रो, और इनके टीम का नाम है टीम लेजेंड। अगर सेकंड नंबर पर जाएंगे तो है सेकंड नंबर पर टीम है तेरा बाप की, तेरा बाप भाई के साथ में है अपने गुरु भाई। तीसरे नंबर पर है रोल्स 1D और GTB भाई, इन लोगों की टीम है सेकंड, और इस सेकंड टीम का नाम है टीम सिकंदर। तीसरे नंबर पर अगर देखेंगे तो हमारे एंग्री भाई की टीम जो है ये नई आई हुई है गाइस। पिछले संडे में हमारे एंग्री भाई की टीम हमारे स्क्वाड में नहीं थी, और इस बार इनकी टीम आई हुई है। देखेंगे इनकी स्क्वाड में क्या होता है। यहाँ पर एंग्री भाई के साथ में है FF के बाबू भाई, MV अक्की भाई और RK शशि भाई। तीसरे नंबर वाली टीम का नाम है गाइस दीपेश भाई की टीम है ये। दीपेश भाई की टीम में तीसरे नंबर पर स्लॉट है, और चौथे नंबर पर जो है अपने JDR भाई की टीम है जो अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। उनके साथ में खेलेंगे आज हमारे लॉरेम भाई के साथ में रहेंगे हमारे Red444 भाई, और चौथे नंबर पर चौथी टीम के प्लेयर है डार्क अमन भाई। गाइस अगर मैं आपको बता दूं कि चौथे नंबर पर जो टीम है ये पिछले बार विन की थी, जो कि अपना प्राइज जीती थी, लेकिन यहाँ पर इनकी फाइट तो चल रही है, देखते कौन फाइट कर रहा है। यहाँ पर लॉरेम भाई की फाइट चल रही है शुरू में उतरते ही, पता नहीं उनकी फाइट किसके साथ में चल रही है। पहले हम लॉरेम भाई को देख लेते हैं यहाँ पर किसके साथ फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे यादव भाई कहाँ पर है। अच्छा, यादव भाई के साथ में ही लॉरेम की फाइट चल रही है गाइस, देख सकते हो यहाँ पर यादव भाई है। 5 नंबर पर जो टीम है और इनकी टीम का नाम है सिस्टम। 5वें स्क्वाड के अंदर सेकंड नंबर पर जो है ये है सायन भाई की टीम। सायन भाई के साथ में हमारे खेल रहे हैं शिवा भाई और डार्क संकेत भाई भी पिछले संडे में आए थे। इस संडे में भी उन्होंने अपने टूर्नामेंट में अपना खेलने का मौका जरूर लिया हुआ है, लेकिन देखेंगे इस गेम को विन कौन करेगा। पिछली बार की तरह JDR की टीम तो कह रही थी कि भाई हम ही जीतेंगे, लेकिन ऐसा हर बार पॉसिबल हो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आज बहुत सारी प्रैक्टिस करके यहाँ पर सारी टीमें आई हुई स्क्वाड को लेकर के कर रहे थे ट्रेनिंग कस्टम बना के। यहाँ पर देखते हैं एक्शन पापा भाई यहाँ पर जा रहे हैं, ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं, पोचिनॉक की तरफ से कहीं जा रहे हैं। आईजी बॉट भी उनके साथ में, इनकी स्क्वाड पूरी सरवाइव कर रहे हैं। यहाँ पर वो लोग जा करके पहले लूट लेंगे, अच्छे से लूट लेंगे, 4 का वेस्ट यूज़ करेंगे और इस गेम को जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं हमारे लॉरेम भाई की टीम से अमन भाई को यहाँ पर किल कर चुके हैं। JDR भाई यहाँ पर अपनी टीम को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यादव भाई की टीम जो है कतई जहर वाला यहाँ पर संभाल ले रही है। मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर शिवा की टीम को सबसे पहले ही फाइट लेनी पड़ेगी, लेकिन खैर देखते हैं यहाँ पर भुया कौन ले पाता है। संकेत भाई भी अपनी तरफ से यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको पोजीशन निकालना है। और हमारे FF के भाई की टीम यहाँ पर 3 बंदे यहाँ पर गाइस, यहाँ पर किसने किल कर दिया इनको, यहाँ पर देखो अक्की भाई, एंग्री भाई की टीम ने यहाँ पर गाइस 3 किल कर लिए, और उन्होंने एक्शन पापा पहले नंबर पर जो टीम है हमारी टीम लेजेंड को यहाँ पर पहले ही 3 बंदों को किल कर दिया। यहाँ पर अभी अपने एक्शन पापा भाई को अपनी टीम को रिवाइव करना पड़ेगा अगर इन्हें आगे गेम भुया तक लेके जाना हो तो। देखना बहुत ही मज़ेदार होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्शन पापा भाई अपनी स्क्वाड को रिवाइव करने में कामयाब भी होते हैं या फिर नहीं होते हैं, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन मज़ा आएगा, देखते हैं लास्ट में किस किस की टीम लाइव रहती है या फिर किस किस की टीम लास्ट में फाइट करती है। देखते हैं यादव भाई की टीम यहाँ पर क्या करे। यादव भाई यहाँ से चले गए क्योंकि उन्होंने समझ लिया अपनी स्क्वाड का बचना मुश्किल है, पहले ही एक जन यहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि ये यहाँ पर अगर एक बंदा भी
पोजीशन निकाल लेगा तो शायद से बुया निकलने के चांसेस है, लेकिन कोशिश में हर कोई कामयाब होगा ऐसा तो नहीं हो सकता। देखते चारों पांचों में से कौन सी टीम यहाँ पर जीतेगी। तेरा बाप भाई यहाँ पर अपने वेस्ट को मजबूत कर रहे शायद से, और गुरु भाई को देखेंगे यहाँ पर अभी फाइट चल रही है। मैं तो ज़्यादातर मुझे फाइट ही दिखाने का मन कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे JDR की टीम ही फाइट ले रही थी, अरे यादव की टीम तो यहाँ से चली गई गाइस। शिवा भाई की टीम, शिवा अकेले बचे क्या यहाँ पर? सायन भाई भी अकेले, दो जन रुके हुए और इनके ऊपर जा रहे हैं यहाँ पर से दो जन। डुओ वर्सेस डुओ हो रहा है क्योंकि JDR और लॉरेम ये दोनों जन फाइट ले रहे हैं यहाँ पर। मुझे लगता है शिवा की टीम को यहाँ पर बचना है तो यहाँ से भागना पड़ेगा भाई तुम्हारी टीम को, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन देखते क्या होता है। लॉरेम भाई तो अगर एक बार बंदे को देख लेते हैं तो उसके ऊपर पूरा अपना कब्जा जमा लेते हैं, उसको किल किए बगैर उनका दिल शांत नहीं होता। देखते क्या होता है शिवा भाई का यहाँ पर। शिवा भाई नीचे है, ऊपर लॉरेम भाई है, लॉरेम भाई अपने शिवा भाई के ऊपर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, लेकिन कौन जीतेगा पता नहीं है। खैर यार भाई साहब, यहाँ कर सायन भाई ने एक जन को लॉरेम भाई को किल कर दिया गाइस। यहाँ पर पहला एलिमिनेशन लॉरेम भाई का JDR की टीम से। कतई जहर वाला गेम प्ले हमारे सायन भाई ने दिखा दिया है। यहाँ पर शिवा भाई भी यहाँ पर किल हो चुके हैं, लेकिन दूसरे भी किल यहाँ पर कर दिए हमारे सायन भाई ने। JDR भाई को भी यहाँ पर किल कर दिया गाइस। यहाँ पर रेड 444 के ऊपर अभी प्रेशर बना हुआ है, अमन भाई के ऊपर भी अपना प्रेशर बना हुआ है। देखते क्या होता है इन दोनों के बीच में। खैर लेकिन एक्शन पापा भाई का तो हाल ही खराब है गाइस। देख सकते हो यहाँ पर उनके तीन बंदे चले जा चुके, अकेले के ऊपर प्रेशर है बेचारा। यहाँ पर पहाड़ पहाड़ घूम के इस गेम को जीतने की कोशिश करेगा। खैर इनकी क्या कंडीशन होती है एंड में देखेंगे, लेकिन उसके साथ में हमारे गुरु भाई की टीम, तेरा बाप भाई की टीम यहाँ पर देखेंगे तो चारों के चारों जिंदा है, अपनी टीम को लेकर के अच्छे से सर्वाइव कर रहे। वैसे तो गेम के अंदर ज़्यादा बंदे नहीं है, 20 बंदों में से 5 बंदे 16 हो चुके हैं। यहाँ पर एक्शन पापा भाई ने तो अपनी स्क्वाड को पूरी तरह से रिवाइव कर दिया गाइस, बहुत बढ़िया यार एक्शन पापा भाई। यहाँ पर लॉरेम भाई को भी रिवाइव मिल गया, लॉरेम भाई रेड 444 भाई यहाँ पर अगर संभाल पाएंगे तो कतई जहर मजा आएगा गाइस। ओ भाई साहब नहीं बचा पाए, लॉरेम भाई के ऊपर जिम्मेदारी आ गई गाइस। अभी लॉरेम भाई के ऊपर जिम्मेदारी आ गई इस गेम को बुया निकालने के लिए। खैर लेकिन एक्शन पापा भाई क्या करते देखते। एंग्री भाई की टीम अगर देखो तो यहाँ पर उनका जो टीम का स्ट्रेटजी है उनका रहता है, ज़्यादातर मैंने देखा है कि उनकी टीम कोटा टुआ में ही उतरती है, और ये स्ट्रेटजी उनका रैंक गेम में भी रहता है। जहाँ तक मैंने देखा है उनकी स्ट्रेटजी रैंक में भी यही होती है, वो लोग उतरते हैं कोटा टुआ में, कोटा टुआ से वो लोग आगे सर्वाइव करके निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर बंदे आने के चांसेस कम रहते हैं। खैर लेकिन लॉरेम भाई की हालत इस वक्त ऐसी हुई है जैसे अभी अभी एक्शन पापा भाई की हुई थी, क्योंकि उनके टीम में से भी तीनों बंदे मर चुके थे, लेकिन एक्शन भाई ने IG बॉट भाई को यहाँ पर रिवाइव कर दिया, SKK रोशन भाई को रिवाइव कर दिया, और ग्रो भाई है ना ये चौथे नंबर पर, कौन है पता नहीं है इनका नाम, इनके नाम के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन ये लोग अपनी दूसरी ID से खेल रहे क्योंकि उनके पास में अवेलेबल ID नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो भी बंदे खेल रहे हमारे ही गिल्ड के बंदे हैं सभी, और एक दूसरे को खेलने का मौका मिला इसलिए उन्होंने एक दूसरे के लिए अलग अलग ID का प्रोवाइडेशन किया हुआ है। खैर लेकिन इस गेम को देखते मज़ेदार गेम होगा, लॉरेम भाई की जिम्मेदारी किस तरीके से पूरी होती है। इनके ऊपर एक बंदा भी रश तो नहीं करेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि कौन सा बंदा है वो जो रिवाइव करने के लिए ये करके बैठा हुआ है। यहाँ पर किसी का भी बंदा मरा हुआ नहीं गए, लॉरेम भाई के ऊपर ही जिम्मेदारी है, सबकी स्क्वाड यहाँ पर अलाइव दिख रही है मुझे। खैर देखते हैं क्या होता है इस गेम का एंड मोमेंट देखने के लिए हमें मैप को देखना पड़ेगा। वैसे गेम तो वहाँ पर ख़त्म होता नज़र आ रहा है, लास्ट जोन का एक ही जोन बचा हुआ है यहाँ पर, अगर ये जीत पाए तो मज़ा है यार। लॉरेम भाई अगर तुम सोलो में गेम को निकाल लोगे ना तो जो मज़ा आएगा ना वो अलग ही होगा। खैर यादव भाई यहाँ पर अपने स्क्वाड को साथ में लेकर के, यादव भाई सायन भाई ने जो 4 किल किया है पूरी स्क्वाड को ख़त्म किया था, स्क्वाड को ख़त्म नहीं किया था गाइस, वैसे उन्होंने पहले लॉरेम को ख़त्म किया और फिर बाद में लॉरेम को रिवाइव भी मिला, जो कि रिवाइव यहाँ पर हमारे रेड 444 भाई ने दिया था। रेड 444 भाई ने रिवाइव देने के बाद में एक बंदे को किल भी किया था, अगर वो सेकंड बंदे को किल कर पाते तो शायद से इस गेम को निकालने में उन्हें आसानी होती है, और उनको मारने के लिए जो है सायन भाई यही थे जो अकेले ने उन्हें मारा था। और शिवा भाई, ये सायन भाई कौन है इन्हें अगली बार आप अपने स्क्वाड में ज़रूर रखना, क्योंकि उनका गेम प्ले आज जो सही दिखा है हो सकता है अगली बार भी आपके टीम में वो सही खेल जाए। संकेत भाई के
संकेत भाई भी आज बोले थे कि स्काई भाई यार पिछली बार की तरह मेरा नाम ले लेना, तो तुम्हारे नाम के साथ में हम देख रहे हैं। तो गुरु भाई ने यहाँ पर किल कर दिया गाइस, गुरु भाई और तेरा बाप भाई ने, इनके ऊपर रश हुआ था एक्शन पापा भाई की टीम से जो अभी अभी रिवाइव हुए थे। गाइस ऐसे ही होता है हमेशा कि जब भी हम रिवाइव होकर के उतरते तो हमारे पास में लूट नहीं होती, इसलिए ट्राई करना चाहिए कि शुरुआत में ही हम मरे ना, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हम जिंदा रह सकें। और जिंदा रहने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर बात देखी जाए तो अपने पास में एक 3 का या 4 का वेस्ट होना चाहिए, जो कि वेस्ट होने से अपनी टीम को जीतने में आसानी होती है। खैर देखेंगे, यहाँ पर आईजी पापा भाई और आईजी बॉड भाई, एक्शन पापा भाई और आईजी बॉड भाई, ये दोनों जन मिलके अपनी स्क्वाड को रिवाइव कर पाते भी है या फिर नहीं। लेकिन खैर लॉरेन भाई ने यहाँ पर देख सकते हो पूरी तरीके से अपनी स्क्वाड को रिवाइव कर दिया है। अब जो है जिम्मेदारी चारों कंधों पर आ चुकी है, लेकिन इस बार मुझे लगता है जेडीआर भाई अपनी टीम को बहुत अच्छे से लीड करते हुए इस गेम को बुआ निकालने की कोशिश जरूर करेंगे, और हम चाहते हैं कि इनकी कोशिश कामयाबी भी मिले। खैर लेकिन रेड 444 भाई की स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये वैसे शॉर्ट रेंज प्लेयर है रेड 444 भाई को अगर आप देखोगे तो ये है शॉर्ट रेंज प्लेयर, और शॉर्ट में जो है इनके हाथ में अगर तुम 3 चिप लगा के MP5 दे दो तो ये माहौल गर्म कर देंगे आपकी टीम में बहुत ही बढ़िया गेम खेल के। MV अक्की भाई की टीम से यहाँ पर देखा जाए, MV अक्की भाई की टीम कौन सी है, अच्छा एंग्री भाई की टीम में से MV अक्की भाई अभी डाउन हो चुके हैं, 3 किल तो वो कर चुके थे। लेकिन खैर यहाँ पर शशि भाई अलग से चले गए, और बाबू भाई का यहाँ पर रश चल रहा है। बाबू भाई ने यहाँ पर अपने संकेत भाई को डाउन कर दिया गाइस, संकेत भाई की टीम यहाँ पर फाइट ले रही है, अभी सायन भाई के ऊपर जिम्मेदारी है। और यादव भाई क्या कर रहे हो, यादव भाई यहाँ पर अपने सर्वाइव करके पोजीशन निकालने की कोशिश में लगे हुए, हर कोई यही चाहता है गाइस अपनी टीम को बचाने के लिए, कम से कम लास्ट में एक बंदा जिंदा रहे और वो उनकी पोजीशन को निकाले। खैर सैन भाई के सामने कौन है अभी देखते हैं, मुझे लगता है बाबू भाई की फाइट चल रही है, बाबू भाई यहाँ पर जीतते हैं या फिर ये सायन भाई जीतते हैं पता नहीं है। बाबू भाई अरे यार दोनों जन गए लेकिन एक जन बच जाएगा मुझे लग रहा है, बाबू भाई बच चुके हैं गाइस, नहीं बाबू भाई नहीं बचे, यहाँ पर सायन भाई बचे। चलो बहुत बढ़िया है यार शिवा भाई, तुम्हारी टीम से हमें उम्मीद थी, जिस उम्मीद को हमारे सायन भाई ने 6 किल करके पूरा किया और यही हम चाहते थे। शशि भाई के ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है, हालांकि उनके पास में टोकन भी है या नहीं पता नहीं, अगर वो अपनी स्क्वाड को रिवाइव कर पाए तो ये बहुत बढ़िया बात होगी। नहीं खैर उनके पास में टोकन ना होने के कारण वो अपनी स्क्वाड को रिवाइव नहीं कर पा रहे, लेकिन देखते एक्शन पापा भाई ने अपने एक बंदे को तो रिवाइव कर दिया जिनका नाम है गोप्रो गोप्रो नहीं गए गो ग्रो 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 नाम है, चलो ठीक है। देखते ग्रो भाई क्या करते हैं, आईजी बॉट भाई यहाँ पर फिर से रिवाइव होकर के बैठे हुए हैं, उनके पास में अच्छी लूट ना होने के कारण वो रश नहीं कर पा रहे। खैर रश ना करने से भी चलेगा, लेकिन इस गेम को आपको बुइया करके निकालना है जी। यहाँ पर तीनों जन एक कोना पकड़ के बैठे हुए हैं गाइस, यहाँ पर इनकी टीम को अगर आप देखोगे आईजी बॉड भाई, एक्शन पापा भाई और ग्रो भाई, यहाँ पर जेडीआर भाई की तरफ से किल नजर आ रहा है, 2 किल करके यहाँ पर जेडीआर भाई को डाउन कर दिया है कोबरा भाई की टीम ने। कोबरा भाई की टीम कहाँ पर है देखो गाइस, यहाँ पर कोबरा भाई की टीम और लॉरेन भाई के ऊपर जिम्मेदारी यहाँ पर नजर आ रही है, देखते हैं लॉरेन भाई क्या करते हैं। लॉरेन भाई का स्नाइपर अगर आप लोग देखोगे तो यही आपको मजा आएगा देखने में, पिछली बार भी अपने स्नाइपर का जलवा दिखाते हुए हमारे लॉरेन भाई की टीम ने बुआ लिया था, और इस बार भी अमन भाई ने 1 किल कर दिया है, कहाँ गए अमन भाई। फैक्ट्री के ऊपर फाइट चल रही है, अमन भाई ने यहाँ पर किस किस स्क्वाड को मारा है पता नहीं। एक्शन पापा भाई की टीम के साथ में फाइट चल रहा है, एक्शन पापा भाई भी यहाँ पर फाइट ले रहे, लॉरेन भाई भी फाइट ले रहे, लेकिन गुरु भाई यहाँ पर पूरी स्क्वाड को अपने एलिमिनेट करवा चुके हैं रेड 444 भाई की तरफ से, कतई जहर वाला गेम प्ले। रेड 444 के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि वो जो है अपनी स्क्वाड में सिर्फ शॉर्ट रेंज प्लेयर है और लॉन्ग रेंज प्लेयर जो है लॉरेन है। शॉर्ट रेंज में उन्होंने अभी MP40 लिया, हालांकि उनका MP5 बहुत ही फेवरेट गन है। खेल देखते हैं एक्शन पापा भाई यहाँ पर क्या कर पाते हैं। आईजी बॉड भाई यहाँ से लॉन्च पैड लगा के निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं निकल पाए। ग्रो भाई भी यहाँ पर नहीं निकल पा रहे, कोई भी नहीं निकल पा रहा है, बीच में वॉल लगा है भाई, तुमको पहले वॉल तोड़ना पड़ेगा शायद। नहीं यार गलत लैंडिंग, किसने किल किया अभी, यादव भाई की फाइट चल रही है, देखो इन लोगों को ऊपर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। यादव भाई के ऊपर भी जिम्मेदारी है यहाँ पर अपने टीम के मेन खिलाड़ी को रिवाइव करना है। शशि भाई ने 1 किल कर दिया, यहाँ पर देखते शशि भाई का किसके साथ में फाइट चल रहा है। एक्शन पापा भाई की टीम से भी अकेले बचे हुए आईजी बॉड भाई जो कि अभी अभी रिवाइव होके उतरे, लॉन्च पैड पकड़ के आए हुए गाइस। अगर ये पोजीशन भी निकाल देंगे तो भी बहुत सही रहेगा, पोजीशन निकालेंगे ऐसा लगता तो है, लेकिन क्या होगा देखेंगे। यहाँ पर पिछली बार की तरह इस बार भी लॉरेन भाई की टीम पूरी तरह से अलाइव है और यहाँ पर इनकी
टीम बुया निकालने के लिए भी समथिंग मुझे लगता है रेडी है। हो सकता है बुया ना निकले क्योंकि यहाँ पर शिवा भाई की टीम भी कुछ कम नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर संकेत भाई की तरफ से 2 किल हो चुके, शिवा भाई के 2 किल है, यादव इज बैक भाई के अपने 0 किल है। खैर यहाँ पर लॉन्च पैड फेंक के मुझे लगता है लॉरेम ही परेशान कर रहा होगा आगे से। लॉरेम भाई की टीम है लेकिन आईजी बॉर्ड भाई अगर तुम पोजीशन खाली संभाल के निकाल लोगे ना, ऊपर ही फाइट चल रही है, आईजी बॉर्ड भाई अगर मौके का सही इस्तेमाल कर ले तो इस गेम को जीतने में उन्हें बहुत ही आसानी हो सकती है। खैर लेकिन यहाँ पर बचना मुश्किल है गाइस, कोई बात नहीं है, आईजी बॉर्ड भाई की टीम चली गई। एफएफ के बाबू भाई ने इनको किल कर दिया है और शशि भाई की टीम है, ये है थर्ड नंबर पर है। एंग्री भाई की टीम है गाइस, एंग्री भाई की टीम से हमें उम्मीद है इस गेम को बुइया लेने की। और जैसे कि आप देख रहे हो कि इन दोनों की टीम बची है लेकिन डुओ वर्सेस स्क्वाड निकालना मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सोलो वर्सेस स्क्वाड भी निकल जाता है। खैर अमन भाई यहाँ पर एलिमिनेट हो चुके हैं, जेडीआर भाई यहाँ पर वॉल तोड़ के मारने की कोशिश कर रहे हैं, लॉरेम भाई अपने स्नाइपर का जलवा दिखाते हुए देखेंगे क्या करते हैं, रेड ट्रिपल फोर भाई अपने शॉर्ट रेंज को जमाते हुए वहाँ से 150 पड़ेगा वैसे ही यहाँ से शॉर्ट रेंज चलाएंगे, वहाँ से 150 पड़ेगा वैसे ही शॉर्ट रेंज चलाएंगे। यही स्ट्रैटेजी होती है गाइस अपने गेम को जीतने के लिए, अगर आप जीतना चाहते हो तो एक बंदा आपके टीम में ऐसा होना चाहिए। और कतई जहर वाला पिछले संडे की तरह भी इस संडे में भी इनकी टीम ने बुइया ले लिया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और देखते हैं अगले संडे में क्या होता है।